हेलो सलाम नमस्ते के साथ ही वेलकम बैक। पिछली शायरी अगर आपने नहीं सुनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर सुनिएगा। और अगर सुन ली है तो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन, वो भी कमाल करते हैं, पार्ट टू पेश करते हैं आपके सामने। अर्ज़ किया है, करते रहे वो अपना काम और हम अपना काम करते गए, करते रहे वो अपना काम और हम अपना काम करते गए, लिखते गए वो फाइलों पे फाइलें, लिखते गए वो फाइलों पे फाइलें और हम उन्हें निहारते रह गए। अगला सुनिएगा, वक्त यूं ही कटता रहा कि हम बदलते चले गए, वक्त यूं ही कटता रहा और हम बदलते चले गए, रखा जो उनके सीने पर सर, रखा जो उनके सीने पर सर और हम पिघलते चले गए, और हम पिघलते चले गए। समय बीतता चला गया और हम बैठे रह गए, सूरज चढ़ता चला गया और हम देखते रह गए, गहरी नींद में सोए थे वो, अजी गहरी नींद में सोए थे वो, बीच में हम तोड़ ना सके, करवटें बदलते गए वो और हम उन्हें जगा न सके, और हम उन्हें जगा न सके। अगला सुनिए, गौर फरमाइएगा, डरते थे जिस बात से वो बात होने वाली है, डरते थे जिस बात से वो बात होने वाली है, भागा करते थे जिस लम्हे से दूर, भागा करते थे जिस पल से दूर, कल जुदाई की वही रात होने वाली है, कल जुदाई की वही रात होने वाली है। अब और भी ध्यान से सुनिएगा, आ गई घड़ी जुदाई की, लो अब आ गई घड़ी जुदाई की, ये दिल पहले ही घबरा गया, दिल्ली की इस सर्दी सा, अजी दिल्ली की इस सर्दी सा, ये बेचारा पहले ही कांप गया, ये पहले ही कांप गया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो आप जानते ही हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू। और एक और बात कहनी थी आप लोगों से, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जो आप शायरियाँ लिखती हैं इतनी रियलिस्टिक लगती हैं काफ़ी, तो इसके पीछे ज़रूर किसी शख्स का हाथ होगा या ऐसा कुछ, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। होता क्या है ना कि किसी भी चीज़ के बारे में लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को अपने ऊपर अपने पर्सनल लेवल पर लेकर फील करें और तब आप लिखें। किसी चीज़ के बारे में लिखने के लिए आपको उससे जुड़ना ज़रूरी है, आप किस हद तक चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो, किस हद तक आप चीज़ों से जुड़ पा रहे हो, उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने वेजिटेरियन लोगों को नॉनवेज रेसिपीज़ के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हुए देखा है, रिव्यूज़ देते हुए देखा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्यार मोहब्बत के ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए या शायरी लिखने के लिए उसे किसी बाहरी व्यक्ति की तलाश करूँ या किसी और इंसान की खोज में मैं बाहर निकल पड़ूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी प्यार तो एक ऐसा एहसास है जिसे आप अपने अंदर, अपने मन में, अपने परिवार में, अपने पेरेंट्स में, अपने भाई बहनों में ढूंढ सकते हैं। उसके लिए किसी अलग शख्सियत की या किसी इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। और अगर आपको वाकई में किसी इंसान की ज़रूरत पड़ रही है प्यार को महसूस करने के लिए, तो फिर तो आपको अपना प्यार का डेफिनेशन बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त। चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई शायरी के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम, नमस्ते, शब्बा खैर।